10 ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स और सीक्रेट हिडन प्लेसेस के बारे में जाने जिनका यूज करके तुम लोग रैंक पुश कर सकते हो। मैं नहीं मानता। चाहे तुम लोग ग्रैंड मास्टर पुश करो या फिर हीरोइक। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताया गया जिसका यूज करके अगर तुम लोग रैंक पुश करो तब तुम्हारे बोया करने के चांसेस काफी ज्यादा होगी। एनीवेज गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो पे अगर 5000 से भी ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो पार्ट 2 पर और भी सीक्रेट ट्रिक्स को बताया जाए। तो जल्दी से 5000 कमेंट्स कंप्लीट करो। सो सबसे पहले तुम्हें आना है सिपयार्ड। सिपयार्ड पर आकर इस वाले लोकेशन पे आ जा। देन ये जो तुम्हें सीढ़ी दिख रही है इसके सामने पर आ जा एंड सिंपली एक रन करो एंड यहाँ पर जंप करो सीढ़ी के साइड वाले हिस्से पे। और धीरे धीरे बैठकर तुम्हें भी मेरी तरह ही ऊपर तक जाना है। जैसे तुम लोग इतने ऊपर तक आ जाओ इसके बाद सिंपली करो रन एंड देन जंप। जंप करते ही तुम लोग इसके ऊपर पर आ जाओ। यहाँ तुम लोग चाहो तो लेट कर भी सरवाइव कर पाओ या फिर किसी भी साइड से आ रहे बंदों को तुम लोग यहाँ से आसानी से डैमेज दे सकते हो। बेसिकली ये ट्रिक होगी फैक्ट्री के लिए। सबसे पहले तुम्हें फैक्ट्री के इस साइड पर आना है। सिंपली इस ट्रिक को करने के लिए तुम्हें चाहिए होगी एक पॉकेट लॉन्च पैड एंड लॉन्च पैड का यूज करते हुए तुम्हें फैक्ट्री के इस साइड पर कुछ इस तरह से एम करना है। यहाँ पर तुम लोग सही से देख लो इस साइड पर इसलिए क्योंकि लॉन्च होने पर तुम लोग इस वाले जगह से टकराओ और फैक्ट्री पर बस एक ही चांस पर तुम लोग चढ़ पाओ। देन तुम लोग चाहो तो इस साइड से भी आके बंदों को मार सकते हो और बंदा तुम्हें डैमेज भी नहीं दे पाए। या फिर तुम लोग चाहो तो यहाँ से उतरो एंड उतरने के बाद तुम लोग इस जगह पर आओ और सिंपली तुम लोग यहाँ पर आके कैंप भी कर सकते हो और जब भी तुम्हारा मन करे तुम लोग वहाँ से उतर सकते हो। सच बताओ तो इस ट्रिक का यूज करके तुम लोग गजब की रैंक पुश कर पाओगे। बेसिकली ये एक सीक्रेट ट्रिक है जिसका यूज करके तुम लोग अपने फ्रेंड्स को कंफ्यूज कर सकते हो। इस ट्रिक को करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक ड्रोन। सिंपली तुम्हें अपने कर्सर बटन का यूज करते हुए अपने ड्रोन को यूज करना यानी कि कर्सर बटन का यूज करो और सेम टाइम पर तुम्हें अपने ड्रोन को भी यूज करने की कोशिश करना जिससे तुम्हारे दोस्तों को ये लगेगा कि ये मेडिकेट का यूज कर रहा है वो भी दौड़ते हुए जो कि पॉसिबल नहीं। ये दूसरी वाली ट्रिक है फैक्ट्री के। सिंपली फैक्ट्री के इस जगह पर आ जाओ एंड यहाँ पर आने के बाद तुम्हें इस जगह पर आना और ये जो आगे पर तुम्हें दिख रहा है इस पर सिंपली जंप कर। दो बार जंप करने पर इसके ऊपर आ सकते हो। ऊपर आने के बाद तुम्हें थोड़ा सा बैक लेना है और सिंपली रन करो एंड जंप कर तो तुम लोग आ जाओगे इसके ऊपर एंड तुम लोग चाहो तो यहाँ से तुम लोग इस साइड पर भी कवर लेकर बंदे को मार सकते हो या फिर इधर से आने वाले बंदों को भी तुम लोग मार सकते हो और चाहे एनिमी कितना भी ट्राई कर ले लेकिन वो तुम्हें डैमेज नहीं दे पाएगा। बेसिकली ये ट्रिक होगी कटाना क्योंकि अपडेट के बाद जब हम लोग कटाना का यूज करते हैं तो हमारा कैरेक्टर काफी फास्टली आगे की ओर जाता है जिसके कारण कटाना का यूज करते हुए बंदे को हेडशॉट मारना मुश्किल है। सो सिंपली तुम अपने गेम के सेटिंग पर आना इसके बाद कस्टम एचयूडी पर क्लिक कर और अपने कर्सर बटन का साइज सबसे छोटा कर लो। इसके बाद जब भी तुम लोग कटाना का यूज करोगे तो तुम्हें अपने कर्सर बटन को नीचे की ओर स्क्रॉल करके रखना और साथ ही साथ तुम्हें कटाना का भी यूज करना इससे तुम्हारा कैरेक्टर काफी स्लोली आगे जाए जिससे बहुत ही आसानी से बंदे पर एमिंग भी कर सकते हो। सिंपली नेक्स्ट को करने के लिए तुम्हें आना होगा पोता टुआ यानी कि इस वाले लोकेशन और याद रखना इसको करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक ग्लू वॉल। सिंपली इस वाले पेड़ पर तुम्हें ग्लू वॉल को इस तरह से लगाना। लगाने के बाद ऊपर पर आ जाओ एंड यहाँ से रन करो एंड जंप करो। यहाँ आने के बाद तुम्हें इस साइड पर आना एंड धीरे 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 ऊपर तक चढ़ना। इसके लिए अपने कर्सर बटन को ऊपर की ओर स्क्रॉल करो और हाँ तुम्हें यहाँ तक ही आना इससे ज्यादा जाने पर तुम लोग नीचे गिर जाओगे और यहाँ पर आने के बाद तुम्हें कोई भी एनिमी देख नहीं पाए और चाहे बंदे किसी भी साइड से आए तुम लोग यहाँ पर चढ़ के बंदों को डैमेज दे पाओ और बंदा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो तुम्हें देख नहीं पाए। नेक्स्ट ये है बेसिकली एक ट्रिक। इसका यूज तुम लोग हर घर पे कर सकते हो जिस पर विंडो है यानी कि जिस घर पे खिड़की हो। इसको करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक लैंड माइन। अब थोड़ा सा दूर जाकर तुम्हें इस खिड़की पर जंप करना है। Once more! जैसा कि मैंने किया तुम लोग खिड़की के ऊपर पर आ जाओगे एंड यहाँ पर तुम्हें एकदम बीच पर सेट करना है लैंड माइन। अब तुम लोग चाहो तो किसी भी घर पर ये कर सकते हो और ये चीज हमें दिख रही है बट बंदे को नहीं दिखी और बंदा जैसे ही सामने जाएगा वो आराम से फट के तुम्हारा किल बनेगा। मैंने सेम तरीके से इस घर के इस विंडो पर भी सेट किया और लैंड माइंस का यूज तुम्हें इसी तरह से करना ताकि तुम्हारा लैंड माइन वेस्ट ना हो।
नेक्स्ट सिंपली अपने बीमा शक्ति के ऊपर पर आओ। इस ट्रिक को भी करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा कि लॉन्च पेड एंड सिंपली लॉन्च पेड को इस तरह से लगाओ और ये जो बोर्ड है इस बोर्ड पर कुछ इस तरह से एम करो जैसा कि मैं कर रहा हूँ और सिंपली लॉन्च हो जाओ। एंड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ बोर्ड के ऊपर। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर सो के भी सर्वाइव कर सकते हो या फिर आते जाते बंदे चाहे वो किसी भी साइड से आए तुम लोग बंदों को मारकर आसानी से किल भी कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक के लिए तुम्हें बीमा शक्ति एंड पीक के बीच पर आना हो यानी कि इस वाले लोकेशन पे। और यहाँ पर आने के बाद तुम्हें फिर से चाहिए होगा कि लॉन्च पेड का यूज करते हुए इस तरह से एम करो एंड सिंपली लॉन्च हो जाओ। इसके बाद एक मैजिक देखो और तुम लोग आ सकते हो इसके ऊपर और सिंपली तुम्हें नीचे पर आ जाना ताकि ऊपर वाले बंदे तुम्हें डैमेज ना दे पाए क्योंकि अगर तुम लोग ऊपर पर रहोगे देन ऊपर वाले बंदे भी तुम्हें डैमेज दे पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि तुम्हें बेस्ट कैरेक्टर स्किल के बारे में बताऊंगा तो उस कैरेक्टर का नाम जानने से पहले इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में। तो अगर तुम्हें मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर तुम्हें गिल्ड टेस्ट देना तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और मुझे डीएम करो। शाबाश बेटा। तो उस कैरेक्टर का नाम है लुकेटा यानी कि ये वाला कैरेक्टर जिसकी एबिलिटी है हैट्रिक। इसका यूज करके रैंक खेलने पर तुम्हारी एचपी 200 नहीं बल्कि 280 होगी और सामने वाले बंदे के पास होगी 200 एचपी यानी कि सामने वाले से तुम्हारी 80 एचपी ज्यादा होगी।